हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइव टू लर्न। और आज हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं 2018 DSSSB PGD होम साइंस का पेपर। और अब तक इसके 150 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं और अब बचे हुए जो भी 50 क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पेन यूज़ नहीं हो पाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई विल सेलेक्ट दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल प्रोटीन सिंथेसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 900 ग्राम। और इसका जो प्रूफ है कि ये करेक्ट है वो ही जो एक ऑथेंटिक साइट है, मतलब जनरल था, उसमें था टोटल, उसमें टोटल उसमें टोटल जो है नाइट्रोजन 140 ग्राम के करीब जो है फॉर्म, मतलब यूज होती है, यूटिलाइज होती है, बॉडी में डिपॉजिट होती है या फिर वो नाइट्रोजन रिलीज होती है। और वो जो इक्वल होती है लगभग 900 समथिंग के अकॉर्डिंग होती है वो। एग्जैक्ट तो यहाँ पर मेंशन नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ हमें 900 ग्राम के अकॉर्डिंग हम करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। इसका करेक्ट ऑप्शन है कीटोसिस। कीटोसिस होता है जब बॉडी में एनर्जी की नीड होती है, जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट कम दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी होने की वजह से उनकी जो फैट डिपॉजिट्स हैं, इनके एडिपोज टिश्यूज में जो भी उनका फैट डिपॉजिट है वो धीरे धीरे उसे वो यूज होता है। और जब अति हो जाती है उस कंडीशन की, मतलब बिल्कुल ग्लूकोज या बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता और ज़्यादा ही मात्रा में अगर वो कीटोन बॉडीज बन जाती हैं तो फिर कीटोसिस की प्रॉब्लम वहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो रिचेस्ट सोर्स है आंवला, जिसे इंडियन गोसेवरी के नाम से भी जानते हैं। फिर है असर्शन, कंजम्पशन ऑफ लेथेरस स्टीवस कॉजेस लेथरिज्म, अ क्रिपलिंग डिजीज। तो ये करेक्ट है। देन द रीजन, लेथरस टीवस कंटेन्स अ वाटर सॉल्युबल टॉक्सिक एल्कलॉइड कॉल्ड BOAA। तो ये BOAA जो है एक तरह का मतलब नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड भी बोलते हैं इसको, एक तरह का अमीनो एसिड है बट नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच फूड सर्विस सिस्टम प्रोड्यूसेस फूड एट अ सेंट्रल यूनिट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेस फूड टू अदर स्मॉलर यूनिट्स। तो वो है कमिश्री, एक जगह पे मेजरली फूड एक बार बन जाता, खाना बन जाता और फिर वो छोटे छोटे जो स्मॉल यूनिट्स है वहाँ पे वो सर्व करने के लिए जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल इज वेरी गुड एट एज इट इज एंड एंटीबॉडीज। कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो भी फर्स्ट मिल्क सीक्रेट होता है उसके, मतलब कोई बेबी डिलीवर होता है उसके बाद जो फर्स्ट मिल्क सीक्रेट होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, येलो कलर का होता है। नेक्स्ट इज मोल्ड इनिबिशन यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। तो वहां पर यूज होता है आपका सोडियम एंड कैल्शियम प्रोपियोनेट। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज 258, लैक्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड बाय। तो ये है आपका मैमल ग्लैंड। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर गलत लिखा है, वो मैमल होता है। फिर है आपका, वुमेन विदाउट डायबिटीज डेवलप हाई ब्लड शुगर लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब आपका सी ऑप्शन करेंगे। ठीक है, और जेस्टेशनल डायबिटीज को अगर एक मतलब डायबिटीज हो गया और उसके बाद प्रिकॉशंस ली जाए तो वो प्रेगनेंसी के बाद खत्म हो जाए, मतलब अपने आप ही वो नॉर्मल हो जाती है शुगर। देन आपका, जिंक इज असेंशियल फॉर सेल डिविजन ग्रोथ इम्यून सिस्टम ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सबके लिए, सबके लिए जरूरी है जिंक। द एंजाइम्स मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ स्टार्च इन ह्यूमन बॉडी। तो वो है आपका अमाइलेज। ठीक
के अमाइलेज एंड एमाइलोपेक्टिन दो क्या है? जब स्टार्च टूटता है, स्टार्च के दो जो जिनसे स्टार्च बना होता है, दो कंपोनेंट अमाइलेज एंड एमाइलोपेक्टिन, उसे भी आप याद कर सकते हैं कि जो स्टार्च पे काम कर रहा है वो है अमाइलेजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज 262। विच वन विच आर द केमिकल्स यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? तो जो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए यूज हो रहे हैं आपका बेंजीन और कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, जो ये आर्टिफिशियल केमिकल्स, मतलब जो एक तो पेड़ पे पकता है फल और उसके बाद उन्हें कच्चा तोड़ लिया और फिर खुद से पकाया जा रहा है, तो उसके लिए कौन से केमिकल्स यूज होते हैं? तो उसके लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं वो हैं आपके ये इथोपोन, इथ्रो, इसमें इथ्रोपोन लिखा है बट वो इथोपोन होता है। ठीक यहाँ पे आर दिया है इसकी स्पेलिंग, और कैल्शियम कार्बाइड यानी कि आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन, जो कि मतलब ज्यादा नुकसान नहीं देते हैं ज्यादा, मतलब होता तो आर्टिफिशियल है तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करेगा हेल्थ को, बट वो ज्यादा नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज इन सीक्वेंस द फेसेस ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन। तो फैट एब्जॉर्प्शन के जो सीक्वेंस है उसे सही ढंग से अरेंज करना है, मतलब राइट सीक्वेंस में लगाना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सबसे पहला होता है, वो सबसे पहली क्या चीज़ होती है आपकी? इमल्शन होता है, मतलब इमल्सिफिकेशन होता है। वो थोड़ा बहुत तो वो जाके स्टमक में पहले तो बाइल एसिड्स और फॉस्फोलिपिड्स के साथ होता है इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन मतलब वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, लिपिड जो होता है। फिर उसके बाद उसका एस्ट्रिफिकेशन होता है, एस्ट्रिफिकेशन के बाद आपका होता है काइलोमाइक्रॉन फॉर्मेशन, देन आपका मतलब ये जो है मसल अपटेक होता है। ठीक है, म्यूकोसल अपटेक यानी कि जो आपकी म्यूकोसा यानी कि जो आंतरिक लेयर होती है स्टमक की, इंटेस्टाइन की, उसमें एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले क्या है आपका? इमल्सिफिकेशन फर्स्ट, देन सेकंड, और उसके बाद आपका थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। काइलोमाइक्रॉन फॉर्मेशन होने के बाद ही वो एब्जॉर्ब होता है। टू सिक्सटी फोर है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल इज केमिकल इनर्ट? तो केमिकल इनर्ट मतलब जो केमिकली, या कह सकते हो आप कि केमिकल रहित है, तो वो है आपका ग्लास। पैकेजिंग मटेरियल ग्लास है, जो कि कांच यानी कि जो बहुत ही मतलब पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से यूज होता आया है। नाउ एज द फॉलोइंग एडल्टरेंट इन लिस्ट वन विद लिस्ट टू, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है और उसमें एडल्टरेंट जो यूज किए जा रहे हैं वो पेपर यूज किया जाता है आपका पपाया सीड्स में, चिली पाउडर ब्रिक में, टर्मरिक में आपका मेटलेन येलो, और कोरिएंडर पाउडर में काउडन। तो के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट बनता है वो है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड दिया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, सी। नेक्स्ट है 266। एन एंजाइम एक्टिवेटेड ड्यूरिंग स्प्राउटिंग इज अमाइलेज। ठीक है, जो अमाइलेज यानी कि मतलब जो भी एंजाइम, कौन सा एंजाइम एक्टिव हो जाता है स्प्राउटिंग यानी अंकुरण के टाइम पे, वो है अमाइलेज। नेक्स्ट इज, अरेंज इन द राइट सीक्वेंस द स्टेप्स टेकन इन प्लानिंग अ फिजिकल फैसिलिटी फॉर फूड सर्विस सिस्टम। तो यहाँ बात हो रही है फिजिकल फैसिलिटी की, मतलब अभी फिजिकल फैसिलिटी की बात हो रही है वहाँ पे जो फूड बनना है और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ पहले उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या नीड होगी? एक प्लानिंग
प्लानिंग टीम चाहिए होगी, प्लानिंग टीम होगी, उसके बाद में वो फीसिबिलिटी स्टडी करेंगे, मतलब कि जो भी साधन वहाँ पे फीसिबल होंगे यूज करना उनका, उनके बारे में अध्ययन होगा। देन थर्ड ऑप्शन, आर्किटेक्चरल फीचर्स को ध्यान में रख के पहले उसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, उसके बाद में प्रोस्पेक्टस, और फिफ्थ है आपका बजट। तो बजटिंग के बाद वो पहले एक बजट, मतलब अपने पहले ये सब होने के बाद वो बजट, मतलब कितना उनके पास टोटल फाइनेंस वो वहाँ पे लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग देन वो मैन्युअलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इन्वॉल्व लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो बियर आपका नहीं है, विनेगर भी नहीं है, चीज भी नहीं है, और आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है योगर्ट। बियर आपका किससे बनता है? बार्ले से। विनेगर आपका किससे बनता है? वो आपका बेरीज से भी बनता है, और उसे शुगर केन से भी बनता है, और चीज बनता है आपका, उसे सिर्फ कर्डल किया जाता है, उसमें फर्मेंटेशन जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं होता, उसे सिर्फ उसकी राइपनिंग की जाती है, ठीक है। तो आपका सिर्फ योगर्ट ऐसा है जिसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है। फिर है आपका असर्शन और रीजन दिया है। तो असर्शन है, बिफोर सन ड्राइंग द वेजिटेबल्स शुड बी ब्लांच्ड, या इट इज करेक्ट। देन रीजन दिया है, हाई टेम्परेचर यूज्ड इन ब्लांचिंग किल्स सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट डज नॉट इनएक्टिवेट द एंजाइम। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ब्लांचिंग है उसका मेन टारगेट क्या होता है? एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करना, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो असर्शन है वो करेक्ट है, बट जो रीजन है वो गलत है। तो आपका ए ऑप्शन सही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? माल्टेज, लैक्टोज, अमाइलेज। करेक्टली मैच पूछा है, ठीक है। तो कौन सा सही मिलान हुआ हुआ है इनका? तो माल्टेज, लैक्टोज, नो। अमाइलेज प्रोटीन नहीं, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट भी सही नहीं है। देन है रेनिन एंड केसिन, ये रेनिन है आपका, ठीक है। रेनिन एंजाइम होता है ना, वो है रेनिन एंड केसिन। तो रेनिन और केसिन वाला सही है, क्योंकि ये जो रेनिन एंजाइम है वो केसिन पर एक्ट करता है और उसे कोगुलेट कर देता है मिल्क प्रोटीन को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ओनली फोर सही है इसमें से। फिर है, सेपोनिन्स आर अ क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन पर्टिकुलर अबाउंडेंस इन वेरियस प्लांट स्पीशीज, जैसे कि आपका अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, और स्पिनेच है। ज़्यादातर जो है ये आपका कौन सी स्पीशीज में पाया जाता है, मतलब वेजिटेबल्स में भी सबसे ज़्यादा तो जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें होता है लेग्यूम्स में, और उसके अलावा अनियन, स्पिनेच, गार्लिक, इन सब में वो पाया जाता है। नेक्स्ट है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, फाइबर, वाटर, कलर कंपाउंड्स, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेस एलिमेंट? तो वो है आपका कॉपर। देन प्रोलॉन्ग्ड स्टे एट एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स में कॉज फाइबर। तो यहाँ पे आपको इसी से बताने कि किसकी जो है कमी हो सकती है या कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है उन लोगों में। तो आपका आयोडीन एंड वाटर रिटेंशन उन लोगों में हो सकता है जो बहुत ही एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स पर ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे। फिर आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज अ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट विच रिगार्ड्स टू इम्प्रूविंग एनीवन्स एथलीट परफॉर्मेंस, ठीक है। स्पोर्ट न्यूट्रिशन का जो मेन एम होता है वो एथलेटिक परफॉर्मेंस को बेटर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी कुड बी? तो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से तो इसका कोई मतलब नहीं है, बायोलॉजिकल, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल, ये तीनों इसके कॉज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच द फॉलोइंग प्याजेस थ्योरी अंडर एस्टिमेट्स द इम्पोर्टेंस? तो किस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं, मतलब को अंडर एस्टिमेट किया गया है प्याजे की थ्योरी में, वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, बाकी कॉग्निटिव एबिलिटीज और इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को पर
पर फोकस किया गया है, मतलब उसे अच्छे से उस पर बात की गई, उसका महत्व भी बताया गया है। नेक्स्ट है द इमर्जिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू प्रोवाइड प्रोग्रेसिवली ग्रेटर फैसिलिटी इन फंक्शनिंग इज इज योर डेवलपमेंट। क्या बोल रहा है, इमर्जिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोवाइड प्रोग्रेसिवली ग्रेटर फैसिलिटीज, यानी कि वो प्रोग्रेसिवली ग्रोथ आपकी एक टाइम तक होती है, मतलब जो भी जैसे किसी की लंबाई बढ़नी है तो एक टाइम तक ही बढ़ेगी ना वो, लेकिन डेवलपमेंट आपका लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ओरिजिनेट और चेंज थ्रू ट्रेनिंग प्रोसीजर्स एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम चेंजेस नॉट एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग। तो ये आपका जो डेफिनेशन है वो हरलॉक के द्वारा दी गई है, और इनका जो हरलॉक का कि हाँ ये हरलॉक के द्वारा दी गई है, और जो हरलॉक का मानना था वो था कि लर्निंग इज डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड एफर्ट। तो जो कि सीख मतलब एक्सरसाइज इनके प्रयास और एफर्ट से ही आती है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग प्रोसेस आर पर्टिकुलरली क्लियर इन मोटर डेवलपमेंट, स्पेशली आपका पोस्टरल रेस्पॉन्सेज एंड लोकोमोशन, क्योंकि ये मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बाकी मैनिपुलेशन और ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सोशियोमेट्री इज अ टूल टू मेजर रिलेशनशिप्स विद पीयर, क्यों? क्योंकि ये जो सोशियोमेट्री है वो क्या है, सोशल रिलेशनशिप्स को मेजर करता है। नेक्स्ट है आपका ड्रेपेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट्यूम इज मोर प्लीजिंग विद ट्रू बायस ग्रेन। ठीक है, वैसे स्ट्रेट ग्रेन का अच्छा का भी अच्छा होता है, ऑफ ग्रेन तो बिल्कुल मतलब वो जो है हैंगिंग जो उसकी एबिलिटी है वो भी बेकार हो जाती है अगर ऑफ ग्रेन पे कट होता है वो, ट्रू बायस ग्रेन का सबसे अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गिव द करेक्ट सीक्वेंस इन प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक फॉर क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन। तो आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया था मैंने कि श्रिंकेज जरूरी होता है किसी भी फैब्रिक, मतलब अगर फैब्रिक से गारमेंट बना रहे हैं तो सबसे पहले उसे श्रिंक करा जाता है, श्रिंक करने के बाद स्ट्रेट किया जाता है ताकि उसकी जितने भी उसमें श्रिंकेज कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग वो श्रिंक हो जाए, और बाद में वो बनने के बाद में श्रिंक ना हो ताकि जो फिटिंग है या फिर जो ईज है वो खराब ना हो गारमेंट की। तो पहले श्रिंक करेंगे, फिर स्ट्रेट करेंगे, फिर उस पर ब्लॉकिंग करेंगे एंड देन उसे प्रेसिंग, उसकी प्रेसिंग की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द बॉबिन इन द स्विंग मशीन इज योर ऑसिलेटिंग हुक। नेक्स्ट इज करेक्ट द सीक्वेंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्क्रीन फॉर प्रिंटिंग। यहाँ पे ऑप्शन तो गिवन नहीं है बट बता देती हूँ कैसे होगा। फर्स्ट में सबसे पहले क्या करते हो, आप कोई स्क्रीन है, अगर आपने स्क्रीन प्रिंटिंग करी है कभी तो नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, एक एक फ्रेम होता है वुडन फ्रेम और उस पर एक सिल्क की स्क्रीन या फिर दूसरे भी किसी कपड़े की स्क्रीन यूज की जाती है, वैसे सिल्क की मेनली की जाती है। तो सिल्क की स्क्रीन यानी कि उस पर चारों तरफ पिन की मदद से उसे कपड़े को अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उस पर वो स्क्रीन तैयार हो जाती है, फिर उस पे पेंसिल से पेन से जैसे भी ट्रेस किया जाता है डिजाइन, जो भी आपको डिजाइन बनाना है उस पे, और फिर एप्लीकेशन वो स्क्रीन मतलब उस पे फ्रेम पे लगा दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस पे इमल्शन को कोट किया जाता है और उसे सुखाया जाता है। ठीक है, इमल्शन लगाना मतलब है कि जैसे जैसे ऐसा होता है जैसे जो पेंट जब होता है ना उससे पहले जो प्राइमर यूज किया जाता है उसी टाइप का होता है वो। ठीक है, वाइट कलर का, और उसे यूज करते हैं, फिर उसके बाद जहाँ पर वो डिजाइन प्रिंट करना है उस जगह को छोड़ दिया जाता है, उसके अलावा सारी जगह पे वो इमल्शन लगा दिया जाता है। फिर आपका क्या होता है, उसे वॉश किया जाता है। ठीक है, उसके सूखने के बाद उसे वॉश किया जाता है ताकि कोई भी उसमें कुछ ऐसी चीज ना हो जो कि किसी कपड़े पर या फिर जिस पर भी प्रिंट करना है वहाँ पे लग जाए,
देन उसे सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट के एक्सपोजर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका बी, डी, ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट इज श्रिंकेज ऑफ कॉटन फैब्रिक इज रिड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेंफराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ पीएफए। पीएफए एक्ट भी है, तो पीएफए की फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अनियंस मेक्स अस क्राई व्हेन शेडिंग। इट इज बिकॉज, क्यों? क्योंकि उसमें सल्फर कंपाउंड्स हैं, होते हैं, एक्टेड अपॉन द एंजाइम्स, यस, प्रोड्यूस वोलेटाइल सल्फर, यस, ऑल ऑफ देम, तो सारे ही करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज कैरीड इन, डैश इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, तो दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, डीएनए और आरएनए दोनों। ग्लूकोज इज एडेड इन द ओआरएस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, टेस्ट, तो सोर्स ऑफ एनर्जी होता तो है ग्लूकोज, बट ओआरएस में ऐड करने का उसे जो मेन पर्पस होता है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो क्या होता है, जब ग्लूकोज ऐड किया जाता है उसमें ओआरएस में, क्योंकि उस टाइम जब भी जिस भी कंडीशन में ओआरएस दिया जाता है उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो उसे सही करने के लिए उसमें ग्लूकोज ऐड किया जाता है, ताकि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में अच्छे से, मतलब जब ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज अलाउ कर देता है इंटेस्टाइन में सोडियम का एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, ऑर्गन दैट सेपरेट्स द मदर्स ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम एम्ब्रॉय इज प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी डिवोटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज डेफिनेशन गिवन बाय हर्लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज अ प्रोसेस बाय विच द न्यू बॉर्न चाइल्ड इज मोल्डेड इन टू कल्चर एंड हेंस बिकम्स एन एक्सेप्टेबल पर्सन इन द सोसाइटी इन सोशलाइजेशन। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है इज वन द सोर्सेस ऑफ वैल्यू कल्चर, तो कल्चर से ही किसी व्यक्ति में जो उसके मूल्य हैं वो बचपन से उसे इफेक्ट करता है कल्चर, उसके जो मूल्य, उसकी जो वैल्यूज हैं वो कल्चर से ही आती हैं। नेक्स्ट इज आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉर्मिंग रस्ट बाय विपलिंग इट क्लीन, नॉट यूजिंग इट ऑन हीट, फ्रिक्वेंट वॉशिंग, या अ स्मॉल पॉट ऑफ ग्रीस अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, ये वाला करेक्ट है। और ये चीज आपने कभी, अगर आपने घर में कुकिंग की है उसके बाद अगर उस यूटेंसिल में डीप फ्राई हुआ है, अगर आयरन का कुछ है तो, अगर उसमें डीप फ्राइंग हुई है उसके बाद वो वॉश भी हो जाएगा, वॉश होने के बाद भी उसमें जंग नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ऑयल थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो गया है, ऑयल है, ग्रीस है, सेम बात है, तो उससे रस्ट नहीं लगता है। नेक्स्ट इज अ प्रोग्रेस प्रोग्रेशन ऑफ साइजेस इन अदर अनादर टेक्निक टू अचीव रिदम, इट इज कॉल्ड ग्रेडेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डैश फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इज अंडरटेकन इन फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मेटिव। नेक्स्ट इज अ डायमेंशनली स्टेबल फाइबर फैब्रिक कैन बी डिफाइंड एज वन, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था 2015 के क्वेश्चन पेपर में, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ना तो श्रिंक करता है और ना ही स्ट्रेच करता है। नेक्स्ट इज नायलॉन इज अ फैब्रिक हूज फिलामेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेट स्पिनिंग, लो स्पिनिंग, ड्राई स्पिनिंग और मेल्ट स्पिनिंग, तो मेल्ट स्पिनिंग से तैयार होता है नायलॉन। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर फाइबर आइडेंटिफिकेशन इज सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देता है, तो ये पूरा 2018 का क्वेश्चन पेपर हो गया आपका कंप्लीट, और अब आगे उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में लाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ इसे शेयर करिए और अपने रिव्यूज कमेंट के थ्रू बताइए, और ये भी बताइए कि मैं आपके लिए पीजीटी और टीजीटी के लिए और भी क्या क्या चीज़ें लेकर आ सकती हूँ। थैंक यू सो मच।